Good morning, dear friends, and greetings in the name of the Lord Jesus Christ, and may the love of God give you the motivation to serve Him. और सुप्रभात मेरे मित्रों और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सब का अभिवादन करता हूं और होने दे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हम सब का उत्साह और प्रोत्साहन बनने पाए। The great God and King of the universe is the one whom we need to please. और वो महान परमेश्वर और इस जगत का स्वामी ही एक ऐसा है जिसको प्रसन्न करना हमारा प्रयत्न होना चाहिए। So before we faced today's challenges and activities, और इससे पहले कि हम आज के दिन की चुनौतियों का सामना करें, let us be silent in the presence of God and listen to His voice. होने दे हम परमेश्वर की उपस्थिति में शांत होकर उसकी वाणी को सुने। And as you meditate, और जैसे आप मनन करते हैं, the Holy Spirit inspires you. होने दे पवित्र आत्मा आपको आगे चलाए। Today's meditation is taken from the Gospel according to Saint John chapter 11 verses 21 and 22. और यह आज का हमारा मनन यह होना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय 21वें और 22वें वचन से लिया गया है। When Jesus came to Martha and Mary's home after 4 days of the burial of their brother Lazarus, और ये बात तब की है जब यीशु मार्था और मरियम के भाई लाजरस की मृत्यु के 4 दिन पश्चात उनसे मिलने आया। Before he walked through the gate and come into their home, और इससे पहले कि वो घर के फाटक के भीतर भी आ सकता और उनसे मिलता, it was Martha who met him first. ये तो मार्था ही थी जिसने यीशु से पहले मुलाकात करी। At the gate, उस गेट या उस फाटक पर। And these verses records the address or Martha's address to Jesus. और ये वचन दिखाते हैं कि कैसे मार्था ने यीशु से बात किया। Her complaint was, उसकी शिकायत ये थी, Oh Jesus, हे यीशु, if you were here, यदि तू यहाँ होता, our brother would not have died. तब हमारा भाई कभी ना मरता। He would have been with us today. वो तो आज के दिन हमारे साथ होता। Now her complaints of Christ's long absence and delay, और उसकी ये शिकायत कि यीशु क्यों इतने लंबे समय तक वहाँ नहीं आया और क्यों उसने आने में देरी करी। Lord, if you have been here, my brother would not have died. उसकी शिकायत ये थी कि प्रभु अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई कभी ना मरता। We notice two things here. यहाँ पर दो बातों को हम देखते हैं। Number one, पहली बात, some evidence of faith. कुछ प्रकार का विश्वास तो मार्था के पास है। She believed Christ's power. उसको यीशु के सामर्थ पर विश्वास है। He could have prevented their brother Lazarus from dying. और वो ये जानती थी कि ये यीशु ही उनके भाई लाजरस को मरने से बचा सकता था। She believed his pity. और वो जानती थी कि उसके दया और तरस कैसा है। If Jesus had been here, और अगर यीशु यहाँ पर होता, and seen Lazarus in his extreme illness, तब और लाजरस को उसकी बड़ी बीमारी में देखता, he would have had compassion on him. तब जरूर ये यीशु उस पर दया करता। That's what Martha thought. और इसी बात को मार्था ने सोचा। And the second thing we notice here, और जो दूसरी बात जिसको हम यहाँ पर देखते हैं, we also see instances of unbelief. और यहाँ पर हम अविश्वास की भी कुछ बातों को देखते हैं। How do we know that? हम कैसे इस बात को जानते हैं? If you notice, her faith was true but weak. उसका विश्वास तो सच्चा था लेकिन कमजोर था। She limits the power of Christ. और वो तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ को सीमित तरीके से देखती है। How do we know? हम कैसे जानते हैं? We know from what he said. और हम जानते हैं ऐसे जो बातें उसने कही। If thou hadst been here, अगर तू यहाँ पर होता प्रभु, whereas she should have known that Christ could heal at a distance as well. बल्कि दूसरे हाथ पे तो मार्था को ये पता होना चाहिए था कि यीशु तो दूरी पर होकर भी उसके भाई को चंगा कर सकता है। Is it true? क्या ये सत्य है? It is. ये सत्य है. If you want to have an example, read the same Gospel according to Saint John chapter 4 verses 46 to 54. और ये तो सत्य है, और अगर आप इसका एक अच्छा उदाहरण देखना चाहते हैं तो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4वां अध्याय 46वें वचन से लेके 54वें वचन में आप इस बात को देख सकते हैं। And there, you know, Jesus
It doesn't make any difference for Jesus whether he is near or he is far away. और याद रखिए यीशु के लिए ये कोई बात मायने नहीं रखती भले ही वो क्यों किसी परिस्थिति के निकट हो या दूर हो. He can let his word comes out of his mouth. वो तो अपने मुख से अपने वचन को निकलने देगा. As he said to the centurion. और जैसे उसने उस सेंचुरियन से कहा. And as he said to a synagogue ruler. और जैसा कि उसने दूसरे हाथ पर एक सिनेगॉग का जो अगुवा था उससे भी कहा. Who came to Jesus? जो यीशु के पास आया. For healing of her daughter. कि उसकी बेटी को चंगाई मिले. And Jesus said. और यीशु ने कहा. You go. तू जा. For your daughter is healed. क्योंकि तेरी बेटी चंगी हो गई है. और योर सन इज हील्ड. या तुम्हारा बेटा चंगा हो गया है. एंड ही वेंट. और वो गया. एंड हिज सन वाज अलाइव. और उसका बेटा जीवित था. जीसस कुड सेंड हिज वर्ड एंड द वर्ड इमीडिएटली ट्रैवल्स. और यीशु तो अपने वचन को भेज तक सकता था और उसका वचन कितने भी दूरी को दूर जा सकता था. That word carries the power of healing. और उस वचन में चंगाई की सामर्थ्य है. She should have known that. और उसे इस बात का पता होना चाहिए था. And the second truth that we notice here is जो दूसरा सत्य है जिसे हम यहाँ पर देखते हैं. The first thing we notice was her complaint. और जो पहला सत्य था उसकी शिकायत. And the second thing is जो दूसरी बात है. She corrects and comforts herself. वो खुद को सद्भावना देती है और खुद को सही करने की कोशिश करती है. For blaming her master. कि वो अपने स्वामी पर दोष लगाती है. By suggesting that he comes too late. जब उसने ये सुझाव उसे दिया कि अब तो तू बहुत देरी से आया है. And then immediately she corrects. और उस ये कहने के पश्चात तुरंत ही वो खुद को सुधारती है. For I know whatever God you ask, God will give it to you. क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो भी तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे दे देगा. Her faith was weak. उसका विश्वास कमजोर था. She should have said, उसने तो ये कहना चाहिए था. Lord, you can do whatever you want. कि परमेश्वर तू तो कुछ भी कर सकता है जो तू चाहता है. Instead, she said, लेकिन दूसरे हाथ पर उसने कहा. Even now, whatever you ask, the God the Father will give you. अभी भी जो तू मांगेगा परमेश्वर पिता तुझे दे देगा. And she said, और उसने कहा, Lord, you can obtain whatsoever you pray for. कि परमेश्वर जो कुछ भी तू मांगे तुझे मिल जाएगा. You need a breakthrough in your faith. और तुझे अपने विश्वास में एक उस मुठभेड़ की आवश्यकता है. Let your faith be strong. होने दे तेरा विश्वास मजबूत हो जाए. To break through the spirit of complaints and doubts. ताकि आपका विश्वास मजबूत होकर जो शिकायतें जो आपके भीतर हैं, वो संदेह जो आपके भीतर उन्हें तोड़कर आगे निकल पाए. And then you will see Christ's power. और तब आप प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य को देखेंगे. For her, in order to have the power of God working, Jesus had to be near. उसके मार्था के अनुसार अगर परमेश्वर के सामर्थ को कार्यत होना था तो यीशु का निकट होना अनिवार्य है. For the miracle, you must know he can heal. और चमत्कार के लिए तो आपको यह जानना जरूरी है कि वो चंगा कर सकता है. He can save and deliver from a distance. और वो बचा सकता है और छुटकारा दे सकता है दूरी से भी. He doesn't have to be near. और उसे निकट होने की आवश्यकता नहीं. He doesn't have to touch. और उसे छूने की भी आवश्यकता नहीं. He doesn't have to do anything else but from a distance. कुछ और Send forth this word. और कुछ और करने की आवश्यकता नहीं लेकिन सिर्फ अपने वचन को आपके लिए भेज. That's why the word of God says, और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है. God's word
I send forth my word and heals my people. और मैं अपने वचन को भेजता हूँ और अपने लोगों को चंगा करता हूँ. Yes, he is able and he can do anything he wants. और याद रखिए, वो योग्य है, वो कर सकता है जो कुछ वो करना चाहे. From near or far away. चाहे वो निकट हो या चाहे दूर हो. With many or with few. या वो बहुत से हो या कम हो. He is able to save. वो तो योग्य है कि बचा ले. So let us have that faith. तो होने दे वो विश्वास हमारे पास. And I believe we all need a breakthrough in our faith. और मुझे विश्वास है कि हम सबको अपने विश्वासों में एक उस मुठभेड़ की आवश्यकता है. That my God is able. और ये जानने की आवश्यकता कि मेरा परमेश्वर योग्य है. I can pray for a patient, for someone who is sick, desperately sick and needing prayer immediately. I can pray for such a person. Who sits thousands of miles away. और हमें ये जानना है कि हम एक ऐसे व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं जो होता हो सकता है हजारों किलोमीटर हमसे दूर हो और उसे चंगाई की आवश्यकता है. And God can send forth His word and heal. और परमेश्वर अपने चंगाई के वचन को हमारे द्वारा उसके लिए भेजकर उसे चंगा कर सकता है. My friends, let us not limit God's power. और मेरे मित्रों, होने दे परमेश्वर के सामर्थ्य को हम सीमित न रखें. And that is very important. और ये बहुत महत्वपूर्ण है. And the third thing we notice is. और जो तीसरी बात जिसे हम देखते हैं. Notice his comforting words. यीशु के सद्भावना और संतोष देने वाले शब्दों को सुने. Your brother will live again. तेरा भाई फिर से जिएगा. Yes, Martha believed in the resurrection. मार्था को तो पुनरुत्थान में विश्वास था. But in the future. लेकिन भविष्य में. In the last days. और अंत के दिनों में. But Jesus said. लेकिन यीशु ने कहा. I am. The resurrection and the life. कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ. He didn't say I was. उसने ऐसा नहीं कहा कि मैं था. He didn't say I will be. उसने ऐसा भी नहीं कहा कि मैं होऊंगा. Our Jesus Christ, the Lord of all, is a God of the present. और याद रखिए, हमारा प्रभु यीशु मसीह जो हर एक बात का परमेश्वर है, वो वर्तमान का भी परमेश्वर है. So correct your faith. इसलिए अपने विश्वास को सही करें. Experience the breakthrough in your faith. और अपने विश्वास में उस भेदने को आप अनुभव करें. And when you find breakthrough in your faith. और जब आप विश्वास को और अपने विश्वास में उस भेदने को पाएंगे. You will find impossible things are possible. तब आप इस बात को जानेंगे, असंभव बातें संभव हैं. Lord, स्वामी, we are so weak in our faith at times. हम तो अपने विश्वास में कई बार कमजोर पड़ जाते हैं. We want you nearer. हम चाहते हैं कि तू हमारे और निकट आ जा. But you can save us and heal us at a distance. लेकिन तू तो हमें छू सकता है, चंगा कर सकता है एक दूरी से भी.